हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स डू इट। तो डिस्कस करेंगे आज हम यहाँ पर हिंदी ग्रामर के कुछ क्वेश्चंस को। और ये जो क्वेश्चन है ये हैं HPSSC प्रीवियस ईयर पेपर के हिंदी ग्रामर के क्वेश्चंस। तो अगर आप HPSSC से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हो तो उसमें ये जो है हिंदी ग्रामर के क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, उसने फल खाया में कारक है। तो देखिए, उसने फल खाया में जो है कौन सा कारक हो जाएगा, तो इसमें कारक होगा कर्ता। सो ऑप्शन यहाँ पर इसका जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी कर्ता जो है यहाँ पर राइट आंसर है। देखिए, कारक की अगर हम बात करें तो कारक जो है वो कितने होते हैं, तो वो होते हैं 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है देव जमा इंद्र, तो देव जमा इंद्र क्या बन जाएगा, देवेंद्र। ऑप्शन यहाँ पर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें सर्वनाम शब्द है। तो देखिए, आपको ऑप्शन देख करके बताना है कि इनमें से किस में जो है यहाँ पर सर्वनाम शब्द है। तो देखिए, मुझे जो कि ऑप्शन ए में दे रखा है, तो इसमें जो है ये सर्वनाम शब्द है। तो देखिए, ऑप्शन यहाँ पर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मुझे इसमें जो है सर्वनाम शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है भौतिक क्या है। तो देखिए, भौतिक क्या है, तो आपको ऑप्शन देख करके बताना है कि भौतिक जो है ये क्या है। तो देखिए, भौतिक जो है ये है विशेषण। सो ऑप्शन यहाँ पर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। भौतिक जो है ये विशेषण है, और विशेषण क्या होता है, जो किसी की विशेषता को बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यथाक्रम में समास है। तो देखिए, यथाक्रम इसमें क्या समास हो जाएगा, तो यथाक्रम में समास हो जाएगा बहुव्रीही समास। ऑप्शन यहाँ पर इसका यथाक्रम जो है इसमें बहुव्रीही समास नहीं होगा, इसमें जो है अव्यय भाव समास होगा। यथाक्रम में जो है अव्यय भाव समास है। ऑप्शन यहाँ पर इसका जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से मुहावरा कौन सा है। देखिए, ऑप्शन दे करके आपको बताना है कि इनमें मुहावरा कौन सा है। तो देखिए, ऑप्शन सी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, आँख दिखाना। आँख दिखाना जो है ये है एक मुहावरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आठ आठ आंसू रोना। आठ आठ आंसू रोना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो देखिए, इसका अर्थ होता है फूट फूट कर रोना, फूट फूट कर रोना या जोर जोर से रोना। सो ऑप्शन यहाँ पर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। आठ आठ आंसू रोने मुहावरे का अर्थ होता है फूट फूट कर रोना। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीडर में समास है। तो देखिए, नीडर में जो है ये कौन सा समास होगा, तो नीडर में जो होगा अव्यय भाव समास होगा। ऑप्शन यहाँ पर इसका बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अधितक्या का विपरीतार्थक शब्द है। तो देखिए, अधितक्या का विपरीतार्थक शब्द जो है वो है उपतक्या। ऑप्शन यहाँ पर इसका बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो प्रतिज्ञा भय को दूर करती है के लिए एक शब्द है। तो देखिए, जो प्रतिज्ञा भय को दूर करती है उसके लिए एक शब्द जो है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अव्ययदान। ऑप्शन जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तत्सम शब्द है। तो देखिए, तत्सम शब्द कौन सा है, तो आपको ऑप्शन देख के बताना है कि इनमें से तत्सम शब्द जो है वो कौन सा है। तो देखिए, ऑप्शन ए जो है यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दंत। दंत जो है ये एक तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध शब्द है। तो देखिए, आपको ऑप्शन देख के बताना है कि इनमें से शुद्ध शब्द जो है वो कौन सा है। तो देखिए, 161 क्वेश्चन जो है उसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इकतारा। इकतारा जो है ये एक शुद्ध शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं खट्टा का भाववाचक है। तो देखिए, खट्टा का भाववाचक संज्ञा जो है वो क्या हो जाएगी, तो वो होगी खट्टापन। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यौगिक शब्द है। तो देखिए, आपको ऑप्शन देख के बताना है कि इनमें से यौगिक शब्द कौन सा है। तो देखिए, ऑप्शन सी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, शिवालय। और शिवालय का अर्थ क्या होता है, शिवालय का अर्थ होता है शिव का आलय, शिव का आलय यानी कि घर या शिव का आश्रय। तो ऑप्शन यहाँ पर इसका सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ वर्ण का उच्चारण स्थान है। तो देखिए, फ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, तो वो है ओष्ठ। सो ऑप्शन यहाँ पर इसका ए जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दास का पर्यायवाची है। तो देखिए, दास का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो वो है किंकर। सो ऑप्शन यहाँ पर इसका सी राइट आंसर है। तो देखिए, आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो देखिए, अगर आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको जितने भी हम वीडियोज़ बनाते हैं उनकी आपको टाइम टू टाइम वहाँ पर नोटिफिकेशन मिल जाएगी।
और यूट्यूब से जो है कई बार ऐसा होता है कि नोटिफिकेशन जो है टाइमली नहीं जा पाती है, तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं जहाँ पर आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जो है वो टाइम टू टाइम मिल जाएंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।